अधिकतर लोग जो भी गुजरात के अंदर घूमने जाते हैं वो केवल स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखकर ही वापस चले जाते हैं। लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी से केवल 30 मिनट की दूरी पर एक सिटी है जिसका नाम है राजपीपला। ये शहर खुद तो बहुत सुंदर है ही, साथ ही साथ इस शहर के आसपास आपको बहुत सारी ऑफबीट प्लेसेस भी देखने को मिलेंगी जिनको बहुत ही कम लोगों ने एक्सप्लोर किया है, जैसे कि मंदन घाट, चूनाराज मंदिर और चानोद, जिसको कि मिनी बनारस भी कहा जाता है। और इन सभी प्लेसेस के बारे में मुझे इसलिए पता चल पाया क्योंकि मैं रुका था एक बैकपैकर हॉस्टल के अंदर जिसका नाम था रोवर स्टे। राजपीपला पहुंचने के लिए या तो आप सीधा एकता नगर रेलवे स्टेशन की टिकट करा सकते हैं, और अगर आपको यहाँ की टिकट ना मिले तो आप वडोदरा जंक्शन से डायरेक्ट बस ले सकते हैं जो कि आपको राजपीपला बस स्टैंड के पास छोड़ देगी। तो चलिए आपको मैं ये हॉस्टल दिखाता हूँ कि मेरा यहाँ पे स्टे किस तरह से रहा। सो गाइस, आपको डॉर्म्स के अंदर जाने के लिए ना इस तरह से सीढ़ियों से थोड़ा सा ऊपर जाना होगा। सो गाइस देखो, यहाँ से है हमारे डॉर्म्स की एंट्री और कुछ इस तरह के डॉर्म्स हैं यहाँ पे। ये वाला मेरा बेड है, बेड का साइज जो है बिल्कुल प्रॉपर है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक ब्लैंकेट दे रखा है, और अगर आपको रात में कुछ पढ़ना होगा तो यहाँ पे एक लाइट भी है जो कि आपको हर बेड पे एक सेपरेट मिल जाएगी। यहाँ पे आप अपना सामान रख के और यहाँ पे लॉक लगा सकते हो, और एक लॉकर है यहाँ पे जिसके अंदर जैसे हमारे कुछ जरूरी सामान होते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, पर्स हो गया, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आप रख सकते हो। और गाइस देखो, यहाँ पे ना और भी बेड्स हैं, और भी ट्रैवलर रुके हुए हैं, उनमें से एक यहाँ पे है। सो हेलो सर। हाय, क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित, मेरा नाम भी अंकित है। अंकित मीट्स अंकित। तो आप कहाँ से आए हो ये बताइए। मैं अभी उदयपुर से आ रहा हूँ। अच्छा, तो कैसा है एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ का? इट्स प्रीटी नाइस एक्चुअली। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि ये थोड़ा स्मॉल टाउन है, एंड आई हैड सीन हॉस्टल्स एंड अदर बैकपैकर हॉस्टल्स वगैरह, वहाँ पे रुका हुआ हूँ, बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट सच यू नो सेटअप यहाँ पे। ठीक है, इट्स प्रीटी नीट मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, एंड लोकेशन इज़ वेरी प्राइम क्योंकि मैं बिल्कुल ढूंढने ही पड़ा। इनफैक्ट सिटी ढूंढने के लिए मुझे टाइम लगा, मैप्स निकाल के देखना पड़ा, बट ये लोकेशन इट वॉज यू नो ऑन स्पॉट। मैं वेजिटेरियन हूँ, लोकल क्यूजींस एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे रजवाड़ी की चाय बड़ी फेमस है, बहुत सारी और छोटी छोटी गुजराती क्यूजीन के स्टॉल्स वगैरह हैं, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर लोकल क्यूजींस। तो मैं काफ़ी सारा सामान कैरी कर रहा हूँ बिकॉज आई एम ऑन अ लॉन्ग ट्रिप, तो मेरा काफ़ी सारा सामान यहाँ नीचे डाल रखा है मैंने, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अनदर लॉकर जहाँ पे मैं अपना फ़ोन, लैपटॉप, चार्जर वगैरह वहाँ पे रख सकता हूँ। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देयर इज़ अ कम्युनिटी किचन अपस्टेयर्स, और बीइंग अ बाइकर ऑड टाइमिंग पे आना एंड ऑड टाइमिंग पे चेक इन करना, इट्स अ वेरी कॉमन यूजुअल थिंग, बट द ओनर हियर सोनू भैया, दे हैव इंश्योर्ड कि कम्युनिटी किचन में इट्स वेल स्टॉक्ड, एंड किसी भी टाइम पे आओ, कभी भी आओ, यू वोंट बी हंग्री एट ऑल, दैट्स फॉर श्योर। रोवर स्टे की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे मेल डॉर्म्स तो हैं ही, साथ ही साथ फीमेल डॉर्म्स अलग हैं जिसके अंदर केवल फीमेल्स रुकती हैं। चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। और यहाँ पे कुछ ट्रैवलर्स भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जो इनका एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं आपके साथ। सो मैम, यहाँ पे बैठ जाऊँ क्या? हाँ। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। अगर जैसे आप एक फीमेल ट्रैवलर हो, हाँ। आप अकेले ट्रैवलर करते हो, राइट? हाँ। तो आपको सेफ्टी का कोई इशू लगा यहाँ पे? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं लगा कि कुछ लाइक सेफ फील नहीं हो रहा या घर जैसा फील नहीं हो रहा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो हो रहा है, घर जैसा ही फील हो रहा है। सब बेड पास पास में है, और मेरा एक फ्रेंड भी बन गया मेरी एक। अच्छा, वो भी राजस्थान से ही आई हुई है। और जैसे ही आप थोड़ा सा रूम से बाहर जाएंगे तो बगल में ही आपको टॉयलेट्स मिल जाएंगे, और आगे चलकर एक बालकनी भी है जहां से कि आपको पूरा मेन रोड का व्यू देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऊपर वाले फ्लोर पर आप कुछ गेम्स भी खेल सकते हैं, साथ ही साथ यहां पर कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, वो भी आप प्ले कर सकते हैं। रोवर स्टे जैसे हॉस्टल्स के अंदर रुकने का एक और फायदा होता है कि आप नए नए लोगों से मिल पाते हो, और मैं भी इस हॉस्टल के अंदर दो नए लोगों से मिला। So, we are a group of mural wall artists. हम
कैफेज, कोवर्किंग स्पेसेस एंड बैकपैकिंग हॉस्टल्स के लिए आर्टवर्क क्रिएट करते हैं. हम कुछ ऐसा आर्टवर्क क्रिएट करना चाहते हैं जो स्पेसिफिक नीश कम्युनिटीज तक पहुँचे, जो उस आर्टवर्क को अप्रिशिएट कर सके. सो इफ़ यू वांट अ कोलैब एवर, हिट अस अप. ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग प्लेस है बिकॉज इसके हर एलिमेंट के पीछे एक स्पेशल स्टोरी है. आपको छोटे से छोटे पीस ऑफ फर्नीचर के पीछे कोई ना कोई स्टोरी पता चलेगी. जो कलर्स उन्होंने यूज़ करे, इट्स वेरी लाइवली. यहाँ आके लग नहीं रहा है कि मैं ठंड के मौसम में आई हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं समर वेकेशन के लिए आई हुई हूँ. सो इट्स वेरी लाइवली, इट्स वेरी रिफ्रेश. सो ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत ही ज़्यादा क्विक है. आई थिंक आई गॉट ड्रॉप्ड ऑफ 2 मिनट्स अवे फ्रॉम द प्रॉपर्टी. मुझे 2 मिनट भी नहीं चलना पड़ा पूरा प्रॉपर्टी तक पहुँचने के लिए. फूड इज मतलब सिंस इट्स इन द सेंटर ऑफ द मार्केट, मैं 2 सेकेंड में आई गेस खाना भी अवेलेबल हो गया था. एंड इट्स ऑल्सो वेरी स्पेस बिकॉज कॉन्स्टेंट क्राउड, कॉन्स्टेंट आवाजें, एंड यू कैन वॉच लाइफ एज इट हैपेंस हियर. एंड व्हाट अबाउट दिस सेव खमनी? ओ आई लव इट. फर्स्ट टाइम खा रहे हो? खा चुके हो पहले? सेव खमनी खाया है मैंने, आलू की सब्जी के साथ पहली बार खा लिया. इसको बोलते हैं सुक्कू. सुक्की. सुक्की बोलते हैं इसको. इसको आलू की सब्जी के साथ खाते हैं, इसको बोलते हैं सुक्की. तो टू टेल यू अबाउट दिस प्रॉपर्टी इज वेरी एस्थेटिक एंड आई एम ट्राई टू थिंक ऑफ गिविंग अ नाइस एथनिक टच टू द प्रॉपर्टी. जैसे कुछ एलिमेंट्स है यहाँ के तो उसका यूटिलाइजेशन करेंगे और उसको वॉल पे म्यूरल के फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करेंगे. सो एज अ सोलो ट्रैवलर आई वुड सजेस्ट कि आप लोग आओ यहाँ पे गुजरात के अंदर और केवल स्टैचू ऑफ यूनिटी देख के मत जाओ. इसके अलावा जो भी प्लेसेस हैं वो सब आपको दिखाएंगे सोनू भैया, जैसे कि उन्होंने मेरे को दिखाई और अब इनको दिखाने वाले हैं. ठीक है, और तो मैं कुछ नहीं कहूँगा. थैंक यू सो मच. अगर आप राजपिपला घूमने आ रहे हो तो रोवर स्टे के ऑनर आपको बाइक भी रेंट पर दिला देंगे, जिससे कि आपको आसपास की प्लेसेस को एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी. तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये हॉस्टल मेरे को 10/10 लगा. अगर मैं स्मोकिंग जोन की बात करूँ तो उसके लिए भी इन्होंने एक सेपरेट स्पेस बना रखा है. इसके अलावा अगर आपका और कोई डाउट है तो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा. कुडोस. सेफ कमिंग. अभी हम मोड़ क्यों रहे, इसको घुमा क्यों रहे हैं? वो तो अपने आप घूम गई है, वो जिधर हवा होगी हाँ उधर मुड़ जाती है. अच्छा ऐसा होता है? हाँ. एक खाट में जितनी रस्सी जाती है ना, जो रस्सी वाला खाट होता है जी, एक खाट में जितनी रस्सी जाती है ऐसे 7 खाट की रस्सी चली जाए, इतना गहरा पानी है ये. ओ तेरी.